दोस्तों, अगर आप भी नेपाल आ रहे हैं या आने का प्लान कर रहे हैं और गोवा जितने बजट में नेपाल ट्रिप करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में मैं आपको थामेल, जो कि काठमांडू का सबसे हैपनिंग एरिया है, का सबसे चीपेस्ट हॉस्टल घुमाऊंगा, जिसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि ये हॉस्टल 1 से 10 की रेटिंग पे कितना हाइजीन वाइज, बजट वाइज और क्राउड वाइज रेट करता है, ये आपको इम्प्रेस करता है या नहीं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और करते हैं वीडियो को शुरू। आज हम आए हुए हैं सबसे सस्ता हॉस्टल देखने के लिए काठमांडू में। जब आप आए हो तो आप भी आ सकते हो। तो चलिए चलते हैं इस हॉस्टल में और पूछते हैं कितने का रूम है और क्या प्राइस वो हमको ऑफर करेंगे अगर हम एक दिन रुकने जाते हैं। तो ये हॉस्टल का नाम है ट्रैकर हॉस्टल, आपको ऊपर दिख रहा होगा। अंदर जाके रिसेप्शन में पूछते हैं और देखते हैं रूम हैं कितने अच्छे और हमारे काम के भी नहीं। चलिए चलते। हेलो हेलो, नमस्ते। तपाईको नाम के छो? मेरो नाम कुमार। कुमार, मेरा नाम है गौरव और हम लोग हॉस्टल ढूंढ रहे हैं सबसे सस्ता। तो हमने देखा ऑनलाइन कि आपका हॉस्टल 450 नेपाली रुपए का मिल रहा है। कितने का? डोम रूम 450 का मिल रहा है एंड रूम प्राइवेट 900। प्राइवेट 900 का मिल रहा है। और ये आप ब्रेकफास्ट भी देते हैं? ब्रेकफास्ट ही मिलेगा ना। ब्रेकफास्ट कितने का आता है? ब्रेकफास्ट तो $100 ब्रेकफास्ट 200 में मिलेगा ना। उसमें क्या क्या होता है? उसमें ऑमलेट होता है, ब्रेड होता है, हस्बैंड पोटैटो होता है। ओके ओके, ठीक है। तो पहले इतना सस्ता रूम और इतना सस्ता बेड कैसा दिखता है वो देखते हैं कि वो हमारे काम का है भी कि नहीं। तो आप हमको रूम और बेड दिखाएंगे? हाँ, सीओ दिखाइए ना। चलिए चलते हैं। ट्रैकर हॉस्टल है ये और अब हम जाके देखेंगे रूम्स कैसे हैं और बंक बेड कैसा दिखता है। अगर आप बजट पे आए हुए हैं यहाँ पे तो आपको इस एरिया में ज़रूर रहना चाहिए, क्योंकि ये जो एरिया है ये थामेल के पास में है, जो कि सबसे हैपनिंग एरिया है यहाँ का। फ्राइडे को अगर पार्टी करनी है तो आपको आना चाहिए, क्योंकि सैटरडे को यहाँ पर कुछ ज़्यादा होता नहीं है, बंद होता है। ये है एरिया, ये है इनकी बालकनी। ये डॉर्म रूम है ना? ये डॉर्म रूम है। तो यहाँ पे हर जगह फैन है। एसी नहीं है? एसी तो नहीं मिलेगा, जरूरत नहीं है। अभी टेम्परेचर कितना रहता है शाम को? शाम को तो 7-8 मिलेगा, होगा नहीं तो नहीं। तो गाइस, यहाँ पे एसी नहीं है। अगर आप एसी देख रहे हैं तो आपको महंगे हॉस्टल मिलेंगे, लेकिन यहाँ का टेम्परेचर 18-19 ही रहता है। तो मुझे लगता है यहाँ एसी की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे हॉस्टल हैं जहाँ फैन भी नहीं है। यहाँ पे आपको एक प्राइवेट फैन मिलेगा, ये बंकमेंट मिलेगा जिसके अंदर आप कपड़े सुखा सकते हैं, और ये पर्दा है प्राइवेसी के लिए। आपके पास में लॉकर भी है? लॉकर है ना हमारे पास, लॉकर मिलेगा। तो यहाँ पे इनके पास में एक लॉकर भी है जिसके अंदर आप अपना सामान रख सकते हैं, अपना बैग रख सकते हैं अगर आप बाहर कहीं घूमने जा रहे हैं। और यहाँ वेंटिलेशन भी है। वेंटिलेशन है ना यहाँ? वेंटिलेशन है, यहाँ विंडो है, यहाँ से हवा आ जा रही है। तो ऐसा आपको लगे कि क्लास्ट्रोफोबिक हो जाए, ऐसा नहीं है, बहुत ही बढ़िया है। और कैसा लग रहा है आपको हॉस्टल यहाँ पे? एक नंबर। कितने दिनों से आप हो? 4-5-6 दिन, काफ़ी दिन हो गए। तो गाइस, यहाँ पे लोग बहुत बहुत दिनों से हैं। और ये कितने इसके अंदर बंक बेड है? इसके अंदर 30 बंक बेड है इनके पास में। और ये हॉस्टल आपको मिलेगा 450 नेपाली रुपया में। तो हम देखते हैं इनका प्राइवेट रूम। चलिए, ये वाला नहीं हमारा प्राइवेट है, ये नहीं वाला नहीं, ये प्राइवेट रूम में है। ये प्राइवेट में है। ये कितने का है? ये 900 का है। तो गाइस, ये है प्राइवेट रूम सेटअप। जैसे कि यहाँ से आप कर्टन बंद कर सकते हो। ये है एक डबल बेड जिसके यहाँ इनके सिंगल बेड भी हैं। डबल बेड के अंदर वही ऊपर फैन दिया हुआ है, लाइट है, और यहाँ पे तकिया है और ब्लैंकेट दिया हुआ है। यहाँ कपड़ा सुखाने की जगह भी है और आप अपना जो सामान है वो यहाँ पे रख सकते हो। इट्स अ काइंड ऑफ प्राइवेट सेटअप। रूम में डोर नहीं है, बट प्राइवेसी के लिए यहाँ अपने सामान रखना है तो आपके पास में यहाँ पे
ये अब लॉकर्स दिए हैं। अगर आपको सिंगल ऑक्यूपेंसी लेना है तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, सिंगल में जैसे आप ऊपर सो सकते हैं, नीचे सो सकते हैं, और यहाँ पे भी आपका पर्दा लगा हुआ है और सामने से हवा आ रही है। तो ये है 900 रुपीज़ का। लेकिन अगर आप इसके अंदर सिंगल बेड रहते हैं प्राइवेट में तो वो 450 का ही आता है, राइट? तो ये आता है 450 का। और इनका जो ब्रेकफास्ट है वो है 200 का, जिसके अंदर आपके पास में वेज और नॉन वेज दोनों के ऑप्शन है। तो चलिए हम चलते हैं और देखते हैं कि आज हम यहाँ पे रात को रुकने वाले हैं, ये बेड कंफर्टेबल था कि नहीं, हम आपको बताएंगे। अच्छा, मुझे आप टॉयलेट्स और बाथरूम भी दिखा दीजिए। ये बाथरूम है, यहाँ पे हॉट एंड कोल्ड दोनों पानी आता है, तो यहाँ पे हॉट एंड कोल्ड शावर दोनों आते हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे है टॉयलेट एरिया, जहाँ पे जो कि यहाँ पे हर फ्लोर पे एक टॉयलेट है, हर फ्लोर में एक टॉयलेट है, जो कि आसपास कितने भी लोग हैं उसको यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे एक बालकनी भी है, बहुत ही खूबसूरत थी। अगर आप टाइम है शाम को आप बैठना चाहते हैं तो आप इस बालकनी में बैठ सकते हैं। ये एरिया थामेल से बिल्कुल 1 किलोमीटर के अंदर ही है। तो अगर आप आ रहे हैं नेपाल और काठमांडू में रुकना है और सबसे सस्ते में रुकना है तो आपको ट्रैकर हॉस्टल ज़रूर आना चाहिए। इनका नंबर मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप इनको कॉल भी कर सकते हैं और आप इनका एड्रेस भी ले सकते हैं। चलिए देखते हैं आज शाम कैसी कटी और इस ब्लॉग को हम कंटिन्यू करेंगे। ये है इनका डबल बेड का रूम और इनके साथ में आपको मिल जाते हैं यहाँ पे लॉकर्स, अगर आपको लॉकर लेने हैं। और ये रूम अगर आपको चेक इन करना है तो आपको इनको देने पड़ते हैं डॉक्यूमेंट, जिसके अंदर आप अपना पासपोर्ट देख सकते हैं या आप दे सकते हैं अपना इलेक्शन कार्ड, जो कि नेपाल के अंदर चलता है इंडिया का इलेक्शन कार्ड, अब वो देखें यहाँ चेक इन कर सकते हैं। अगर आपको इसको बुकिंग करना है डायरेक्ट तो उसका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको बुकिंग करना है ऑनलाइन तो आप booking.com या कहीं से भी कर सकते हैं। ये बात आपको पता ही होगी कि ऑनलाइन अगर आप पेमेंट करके आते हैं तो यहाँ पे आपके कार्ड नहीं चलेंगे, आपको पेमेंट ऑनलाइन ही करनी है। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यहाँ पे नहीं चलते हैं, लेकिन इसका एक लूप होल है। अगर आपके पास में डेबिट कार्ड है तो यहाँ पे कुछ ATMs हैं जहाँ पे स्टैंडर्ड चार्टर्ड के ATM कार्ड लगे हैं, वहाँ पे वो आपको थोड़ा सा चार्ज करते हैं कुछ 200 रुपीज़, और आप वहाँ से पैसा निकाल सकते हो। तो आप यहाँ पे ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो, आप इसको ऑफलाइन भी बुक कर सकते हो, यहाँ आके भी पेमेंट दे सकते हो। मुझे तो बहुत ही पसंद आया। अगर आप मुझसे पूछोगे तो इंडियन रुपीज़ 270 के अंदर मुझे एक रात रहने को मिल रहा है, और वो भी इतनी अच्छी लोकेशन पे जहाँ से मैं वॉकेबल थामेल जा सकता हूँ, जो यहाँ का बस एक हैपनिंग एरिया है। तो और क्या चाहिए दोस्त, लोग 1000 रुपये देते हैं उतने में तो मैं 4 दिन रुक जाऊँगा। तो मुझे ये बहुत पसंद आया। आसपास क्या है वो हम दिखाएंगे, लेकिन अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आने वाले हैं बहुत सारे नए स्पेस प्लेसेस जो कि आपको काठमांडू में देखने चाहिए उस सीरीज़ के साथ में। नेपाल सीरीज़ को आपको प्यार मिलना चाहिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हाँ, इस ब्लॉग में शायद आपको और भी कुछ देखने को मिलेगा BTS में। चलिए ब्लॉग को करते हैं एंड टेक केयर, बाय। आज मैं रह के देखता हूँ कैसा है, हमारे सब्सक्राइबर यहाँ पे रहने के लिए आएंगे। ओके, वेलकम टू सब्सक्राइबर।